वेल तो है गाइस, वेलकम टू दी माय चैनल। माय नेम इज पंकज। तो वेल, इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्या हमें रोमन रेंज वर्सेस डीमन किंग वर्सेस जो कि ब्रॉक लेसनर का ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिल सकता है, एंड कौन सा सुपरस्टार जो कि हमें डेब्यू करते हुए दिखाई दे सकता है आने वाले समय में WWE के अंदर, एंड और भी बहुत सारी अपडेट्स है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सो नाउ लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वेल तो फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को स्टार्ट करते हैं जो कि स्मैकडाउन के व्यूअरशिप की तरफ से। तो वेल, जैसा कि तुम लोग को बता दूं कि स्मैकडाउन की जो कि व्यूअरशिप हमें देखने को मिली है वो इस हफ्ते जो कि गिर चुकी है। वेल तो इस हफ्ते हमें स्मैकडाउन की व्यूअरशिप 2.147 मिलियन देखने को मिली है, जो कि आई थिंक पिछले हफ्ते जो हमें देखने को मिला था उसके मुकाबले थोड़ी कम है। एंड ये ओवरनाइट व्यूअरशिप है, सो मे बी ये हमें ऊपर नीचे होते हुए भी दिखाई दे सकता है, जो कि आई थिंक मतलब तो भी अच्छा है। मतलब इतना तो कम नहीं आना चाहिए था। आई थिंक मुझे लग रहा है कि भाई 2.7 मिलियन या फिर 2.5 मिलियन भी रहता तो बहुत ही अच्छा रहता। मे बी अगले हफ्ते हमें बढ़ते हुए दिखाई दे सकता है, क्योंकि अगले हफ्ते ग्रैंड हमें स्मैकडाउन देखने को मिलने वाला है। सो देखना इंटरेस्टिंग भी रहेगा। वेल सो नेक्स्ट वन थिंग की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वन थिंग जो कि साशा बैंक्स की तरफ से देखने को मिल रहा है। तो साशा बैंक्स जो कि मैं तुम लोग को बता दूं कि हमें बैक स्टेज देखने को मिली थी स्मैकडाउन, जो कि मतलब इस हफ्ते का मतलब इस बार का जो हमें स्मैकडाउन देखने को मिला था इसके बैक स्टेज में हमें साशा बैंक्स देखने को मिली थी। एंड तुम ये फोटो भी देख सकते हो जो कि मतलब एक फैन ने खींची थी, मतलब बैक स्टेज में हमें साशा बैंक्स देखने को मिली थी। तो मे बी आगे चल के हमें हो सकता है कि एक्सट्रीम रूल्स या फिर मतलब अगले ही हफ्ते स्मैकडाउन में हमें जो कि साशा बैंक्स का रिटर्न देखने को मिले, मतलब साशा बैंक्स हमें ऑन टीवी देखने को मिले, जो कि बहुत अच्छा रहेगा, इंटरेस्टिंग रहेगा। एंड उनको कोई स्टोरी लाइन देनी चाहिए यार, मतलब साशा बैंक्स को एक अच्छी खासी सुपर स्टार है, तो मे बी अगर कोई स्टोरी लाइन मिलेगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा देखना। वेल सो नेक्स्ट वन थिंग की तरफ चलते हैं। वेल नेक्स्ट वन थिंग जो कि हमें WWE NXT की तरफ से देखने को मिल रहा है। तो वेल WWE की NXT जो है वो हमें सेप्टेम्बर 14 से, वेल तो जो भी चेंजेस हमें देखने को मिलने वाले थे NXT के अंदर वो हमें सेप्टेम्बर 14 से होते हुए दिखाई देंगे। एंड सो मतलब उस शो से, उस NXT के शो से जो कि आई थिंक देखना भी इंटरेस्टिंग रहेगा, एंड बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं। एंड तुम अगर शो में देखे रहोगे तो मतलब स्मैकडाउन में तुम देखे रहोगे तो एक तरह से हमें टीजर देखने को मिला था NXT का, जहां पे हमें कहीं ना कहीं मतलब एरिना शो किया जा रहा था, मतलब एरिना तो नहीं मतलब एक तरह से मतलब हमें कैसा देखने को मिलेगा जो कि मतलब स्टेज सारी थिंग्स हमें देखने को मिल रही थी। सो मे बी हमें अब देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि हमें NXT कैसा देखने को मिलता है, जो कि ओवरऑल भाई देखते हैं मतलब क्या थिंग हमें देखने को मिलता है NXT के साथ में। वेल सो नेक्स्ट वन थिंग की तरफ चलते हैं। वेल नेक्स्ट वन थिंग जो कि हमें देखने को मिल रहा है एक ऐसे सुपरस्टार की तरफ से जो कि हमें आने वाले समय में डेब्यू करते हुए दिखाई दे सकता है, एंड वो सुपरस्टार है गैबल स्टीवसन। तो वेल गैबल स्टीवसन जो कि WWE के साथ में कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने साइन कर लिया है, जो कि डेव मेल्टजर ने रिपोर्ट किया है। तो वेल गैबल स्टीवसन आई थिंक बहुत ही अच्छी बात है अगर कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने साइन कर लिया है WWE के साथ। एंड इनका हमें समरस्लैम में अपीयरेंस भी देखने को मिला था, जो कि आई थिंक बहुत ही बेटर रहेगा। एंड मतलब कई दिनों से ये मतलब टीज भी कर रहे थे एक तरीके से कि वो कहाँ जाएँ। सो वेल अब कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया तो भाई मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। एंड मतलब गैबल स्टीवसन भाई देखते हैं हमें क्या करते हुए दिखाई देते हैं, क्या कमाल करते हुए दिखाई देंगे, क्या कर्ट एंगल जैसा कमाल कर पाएंगे। एंड वो ओलंपिक विनर भी है, तो भाई बहुत ही अच्छी बात है। देखते हैं मतलब हमें WWE के अंदर वो क्या मतलब क्या फ्यूचर बन सकते हैं, जो कि ऑब्वियसली देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी रहेगा, एंड कैसी स्टोरी लाइन उनको देखने को भी मिलेगी। वेल सो नेक्स्ट वन थिंग की तरफ चलते हैं। वेल नेक्स्ट वन थिंग वेल तो ये हमें देखने को मिल सकता है ट्रिपल थ्रेट मैच की तरफ। तो वेल जैसा कि तुम लोग को बता दूं कि डेमन किंग फिन बैलर वर्सेस ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस में भी हमें आगे चल के एक ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिल सकता है। तो वेल जैसा कि तुम लोग को पता ही है कि मतलब फिन बैलर को उन्होंने मतलब रोमन रेंस का जो हमें मैच देखने को मिला था स्मैकडाउन में, वेल तो वहां पे लो ब्लो मार के रोमन रेंस एंड उसके बाद तो अच्छा खासा लॉक में फंसा देते हैं, जिसके बाद फिन बैलर को वो हरा देते हैं। एंड इसके बाद तो हमें मतलब क्या थिंग देखने को मिलता है कि डीमन किंग का हमें टीज भी देखने को मिलता है। तो यहां पे ये थिंग देखने को मिल रहा है कि हमें डीमन किंग फिन बैलर वर्सेस हो सकता है फ्यूचर में रोमन रेंस देखने को मिले। एंड यहां पे ये थिंग भी देखने को मिल रहा है कि हो सकता है ये थिंग हमें ट्रिपल थ्रेट होते हुए दिखाई दे जाए। तो वेल जैसा कि तुम लोग को पता है कि रोमन रेंस वर्सेस डीमन किंग मे भी हमें हो सकता है कि एक्सट्रीम रूल्स में देखने को मिल जाए, एंड जहां पे हो सकता है ब्रॉक लेसनर आके अटैक कर दे इस थिंग के ऊपर, हमें ये थिंग भी देखने को मिल सकता है। या फिर ये भी देखने को मिल सकता है कि रोमन रेंस मतलब कोई ना कोई ऐसा तरीका अपनाए जिसकी वजह से मतलब डीमन किंग के साथ मतलब ऐसा कुछ थिंग हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि वो एक अनडिफिटेड कैरेक्टर है मेन रोस्टर के अंदर NXT के अंदर, भले से वो कितनी बार हार चुका है। सो वेल यहां पे ये थिंग हमें देखने को मिल रहा है। सो वेल मे बी हमें यहां पे ये देखने को मिल सकता है कि ब्रॉक लेसनर एंड डीमन किंग फिन बैलर एंड इसके बाद रोमन रेंस, इन तीनों का हमें मे बी ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिल जाए क्राउन ज्वेल के अंदर या फिर एक्सट्रीम रूल्स के अंदर, क्योंकि अगले हफ्ते हमें आते हुए दिखाई देंगे ब्रॉक लेसनर। एंड तो ब्रॉक लेसनर एंड रोमन रेंस तो मे बी लगता है कन्फ्रंट करेंगे ही, एंड मे बी इसके बाद हो सकता है कि हमें डीमन किंग फिन बैलर भी कन्फ्रंट करते हुए दिखाई दे जाए, जो कि मे बी ये भी पॉसिबल हो सकता है कि हमें ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिल जाए जो कि एक्सट्रीम रूल्स के ही अंदर। सो ऑब्वियसली देखना इंटरेस्टिंग रहेगा, एंड ट्रिपल थ्रेट रहेगा तो यहाँ पे एक सुपरस्टार सेव भी हो सकता है, मतलब बच भी सकता है, जो कि इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। तो वेल देखते हैं क्या थिंग देखने को मिलता है, क्या नहीं देखने को मिलता है, एंड ऑब्वियसली सारी थिंग्स देखना इंटरेस्टिंग भी रहेगा। वेल वैसे आपको क्या लगता है क्या थिंग्स हमें देखने को मिल सकता है, एंड आपको कौन सी अपडेट पसंद आई वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वेल वैसे अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक डिसलाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करना है कर सकते हो। एंड सो फ्रेंड मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।
समय की मार है या मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेस को इसने आरकेओ था लगाया।